अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद उसामा सरसरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सर्फ व नहू आसान कोर्स सबक नंबर 19 है। इस सबक में हम इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्में पढ़ेंगे। उससे पहले तमहीदी तौर पर यह समझ लेना ज़रूरी है कि अरबी ज़बान में जितने भी अल्फाज हैं, हर लफ्ज़ या तो वो इस्म होगा या फ़ैल होगा या हर्फ होगा, और फिर इनमें से जितने भी इस्म हैं वो या तो मौरब होंगे या मबनी होंगे। मौरब और मबनी क्या होता है? जिस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश और दीगर एराब में मुख्तलिफ़ मौक़े में तब्दीली आती रहती है वो मौरब होता है, और जिस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ आखिर में ये तब्दीली नहीं आती उसको मबनी कहते हैं। तो जो इस्म मबनी होता है उसको गैर मुतमक्किन भी कहते हैं, और जो इस्म मौरब होता है उसको मुतमक्किन भी कहते हैं। इस सबक में हम इस्म गैर मुतमक्किन पढ़ेंगे, यानी वो इस्म जिसके आखिरी हरूफ पर ज़बर ज़ेर पेश और दीगर एराब के एतबार से तब्दीली वाक़े नहीं होती, वो हमेशा एक सी हालत में रहते हैं। इस्म गैर मुतमक्किन की 8 किस्में हैं: ज़माइर, अस्माए इशारा, अस्माए मौसूला, अस्माए अस्वात, अस्माए फ़ैल, अस्माए ज़ुरूफ़, अस्माए किनाया और मुरक्कब बिनाई। तो इनमें से जो पहली 3 किस्में हैं वो हम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता असबाक में पढ़ चुके हैं। ज़माइर के लिए आप सबक नंबर 9-12 देख लें। मुख्तसरन बता देता हूँ, ज़माइर अरबी में कुल 70 हैं। अव्वलन ज़माइर की 5 किस्में हैं, फिर हर एक के अंदर 14-14 ज़मीरें हैं, तो 14×5=70। सबसे पहले ज़मीर मरफू मुत्तसिल ये 14 हैं, ज़मीर मरफू मुनफसिल ये 14 हैं, ज़मीर मनसूब मुत्तसिल ये 14 हैं, ज़मीर मनसूब मुनफसिल ये 14 हैं, और ज़मीर मजरूर मुत्तसिल ये भी 14 हैं। ज़मीर मरफू मुत्तसिल जो ज़मीर अफ़ाल के साथ मिली हुई होती है और फ़ाइल बनती है या नायब फ़ाइल बनती है, जैसे कतब कतबा, कतबू, कतबत, कतबता, कतबना, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, कतबतु, कतबना, इन 14 अफ़ाल के अंदर जो ज़मीर है वो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। और 14 ज़मीर मरफू मुनफसिल हुवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु, और 14 ज़मीर मनसूब मुत्तसिल जैसे नसरहु, नसरहुमा, नसरहुम, नसरहा, नसरहुमा, नसरहुन्ना, नसरका, नसरकुमा, नसरकुम, नसरकी, नसरकुमा, नसरकुन्ना, नसरनी, नसरना, और 14 ज़मीर मनसूब मुनफसिल इयाहु, इयाहुमा, इयाहुम, इयाहा, इयाहुमा, इयाहुन्ना, इयाका, इयाकुमा, इयाकुम, इयाकी, इयाकुमा, इयाकुन्ना, इयाया, इयाना, और 14 ज़मीर मजरूर मुत्तसिल लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। इन सब की तफसीलात, इनके तर्जमे, इनके बनाने का तरीका, इस्तेमाल का तरीका, ये सब आप इसी कोर्स के सबक नंबर 9, 10, 11 और 12 में देख लीजिए। दूसरी किस्म है अस्माए इशारा, जैसे हादा, हादानी, हादैनी, हाउलाई, हादही, हाद, हातानी, हातैनी, हाउलाई, और जालिका, जानिका, जैनिका, उलाइका, तिलका, तानिका, तैनिका, उलाइका वगैरह। तो अस्मा इशारा की तफसीलात, इनके बनाने का तरीका, ये सबक नंबर 13, 14, 15 और 16 में देख लीजिए। फिर अस्मा मौसूला अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदैनी, अल्लदीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लतैनी, अल्लाती, अल्लाई, अल्लवाई, मा और मन, इनकी तफसीलात सबक नंबर 17 और 18 में देख लीजिएगा। अब बाकी रह गए 5, वो हम इस सबक में इंशाल्लाह तफसील से पढ़ लेते हैं। अस्माए अस्वात, सोत आवाज को कहते हैं, सोत की जमा अस्वात है। जो लफ्ज़ किसी आवाज का नाम हो या उससे किसी को आवाज दी जाए उसे इसमें सोत कहते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। एक वो अस्मा जो तबई आर्जे की वजह से जबान पर जारी हो, जैसे उह उह ये खांसी की आवाज है, उफ ये दर्द और गम दुख की आवाज है, बख बख ये खुशी की आवाज है, और जिसका मतलब है खूब खूब, जिसे उर्दू में हम कहते हैं ना वाह वाह। अच्छा, दूसरी किस्म वो अस्मा जिनसे किसी की आवाज नकल की जाए, जैसे गाक गाक ये कौवे की आवाज की नकल है, उर्दू में जैसे हम कहते हैं कौवा काए काए करता है। तीसरी किस्म वो अस्मा जिनसे किसी जानवर को बुलाने या बिठाने के लिए आवाज दी जाए, जैसे इख इख या निख निख ऊंट को बिठाने के लिए आवाज दी जाती है, तो ये अस्माए अस्वात हैं। अगली किस्म है अस्माए अफाल,
وہ اسم جو فعل کے معنی ادا کرے اسے اسم فعل کہتے ہیں. یہ صرف عربی میں پایا جاتا ہے, اس کی تین قسمیں ہیں, فعل ماضی کے معنی میں, فعل مضارے کے معنی میں اور امر حاضر کے معنی میں. فعل ماضی کے معنی میں جیسے ہیہاتا دور ہوا, شتانا وہ جدا ہوا, سرعانا اس نے جلدی کی, بطانا اس نے دیر کی. اور فعل مضارے کے معنی میں جیسے اوف میں تنگی اور بے قراری محسوس کرتا ہوں, او مجھے درد ہو رہا ہے, وہی میں تعجب کرتا ہوں, واہ میں افسوس کرتا ہوں, آہن مجھے تکلیف ہو رہی ہے, زیہ میں اچھا سمجھ رہا ہوں. تیسری امر حاضر کے معنی میں اس کی دو قسمیں ہیں, سماعی اور قیاسی. سماعی یعنی وہ جو ہم نے عربوں سے سن لیے اور وہ مخصوص الفاظ ہیں, اگرچہ وہ بھی کئی سارے ہیں, جیسے رویدہ مہلت دو, بلہا چھوڑو, حیا حیا حل آؤ, حلما آؤ, دونکا لے لو, ماں رک جاؤ, آمین قبول کرو, حیتا جلدی کرو, سہ چپ رہو, حیا جلدی کرو, علی کا لازم پکڑو, الی کا دور ہو جاؤ, ای اضافہ کرو, امام کا آگے بڑھو, ہا لو وغیرہ. اور دوسری قسم قیاسی, یہ ہر فعل ثلاثی سے فعالی کے وزن پر بنائے جاتے ہیں, جیسے نزالی اترو, سباتی ثابت رہو, ذہابی جاؤ, سکاتی چپ رہو, ہزاری بچو. اگلی قسم ہے اسماء ظروف, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا جب, کب, جب سے, پہلے, بعد, اوپر, نیچے وغیرہ, تو عربی میں اس کے لیے آتا ہے اذ, اذا, متا, کیفا, ایانا, امسی, مذ, منذ, قطو, اوزو, قبلو, بعدو, حیثو, قدامو, تحتو, فوقو. ان کے ترجمے آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے. اگلی قسم ہے اسماء کنایا, ایسا ویسا, اتنا اتنا, کتنا کتنا سارا وغیرہ کے لیے عربی زبان میں چار الفاظ ہیں. کم اس کا ترجمہ ہے کتنا کتنا سارا, کدا و کدا اس کا ترجمہ ہے اتنا اتنا, کئیتا و دئیتا اس کا ترجمہ ہے ایسا ویسا, مطلب اس نے مجھ سے ایسا ویسا کہا, تو قال لی کئیتا و دئیتا, اس نے مجھ سے ایسا ویسا کہا. اگلی قسم ہے مرکب بنائی, 11 سے لے کر 19 تک عربی الفاظ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 یہ الفاظ بھی اس میں غیر متمکن کہلاتے ہیں. یہ 8 قسمیں ایسی ہیں جو مبنی ہیں اور ان کے آخر میں کسی بھی وجہ سے زبر زیر پیش یا دیگر اعراب کی کوئی تبدیلی کبھی بھی واقع نہیں ہوتی. اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم میں سے اسم غیر متمکن کی ہر قسم کی ایک ایک مثال مجھے پیش کیجئے, میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کرنے کی پوری کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.